हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भूमिका कुमारी 999। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टिक्की पनीर बर्गर की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है और ये सबको पसंद आता है, बच्चों से लेके बड़ों तक। तो आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी फ्रेंड्स, तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इधर बर्गर बनाने के लिए जो जो सामानों की ज़रूरत पड़ती है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इधर मैंने बर्गर लिए हैं, आप चाहो तो कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं। और इधर मैंने पनीर स्लाइस लिए हैं, टमाटर लिए हैं, इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया है। आप चाहो तो पनीर की जगह चीज़ भी ले सकते हैं ये स्लाइस। और इधर मैंने कुकुम्बर लिया है, खीरे लिए हैं, इनके भी स्लाइस में कट कर लिया है। और प्याज को भी हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इधर सब्जियों की जितनी भी आपको क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने अनुसार रख सकते हैं। और इधर मैंने टिक्की बनाने के लिए लिए हैं गोल के हो आलू, इसे मैंने छील लिया है और ठंडा होने के बाद ग्रेटर की मदद से मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहो तो मैशर की मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो देखिए, इधर मैंने 2 से 2.5 चम्मच अरारोट लिया है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इधर मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर, और 1/2 चम्मच सॉल्ट लिया है, इसे भी हम इन सब को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका एक डो तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, इसे हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। इधर मैंने वेज मेयोनीज ली है और ये तंदूरी मेयोनीज है लिए। इधर मैंने ऑयल लिया है अपने हाथों को अच्छे से ग्रीस करने के लिए। तो इसके अब आलू की हम टिक्की तैयार करेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरीके से अपने हाथों को ग्रीस कर लिया है। अब इधर इसके छोटे छोटे बॉल्स लेके इसके हम राउंड शेप देते हुए इस तरीके से देखिए, और इसे हथेलियों से ब्रश कर देंगे और इसकी एक टिक्की तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इस टिक्की आप अपने अनुसार बड़ी या छोटी रख सकते हैं, जिस तरीके की आपको पसंद है उस तरीके की। तो देखिए, हमारी परफेक्ट टिक्की बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से हम और टिक्की को भी बना लेंगे। इसी तरीके से राउंड शेप देते हुए हथेलियों से क्रश करके हम और बाकी बचे इन टिक्कियों को तैयार कर लेंगे। ये देखिए, टिक्की बन गई। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इधर मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, इसमें मैं पहले मैं ऑयल लगा के इसे ग्रीस कर लेती हूँ। आप चाहो तो बटर या फिर घी से भी इसे फ्राई कर सकते हैं इन टिक्कियों को। और ये देखिए, कुछ देर बाद इसे पलटते हुए सेक लेना है, फ्राई कर लेना है। और हमें गैस का फ्लेम फ्रेंड्स मीडियम टू लो ही रखना है, ताकि ये अच्छे से पक जाए और ये अंदर से कच्ची ना रहे बिल्कुल भी। और ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे प्रेस करना है ताकि ये और भी अच्छी तरीके से पक जाए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसी आने वाली और भी वीडियोस आप तक पहुँच सके। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी टिक्की अच्छे से बन गई है। अब इधर हम इसी पैन में अपने पनीर को भी फ्राई कर लेते हैं दोनों तरफ से। और इन्हें पलटते हुए दोनों तरफ से इन्हें फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, पनीर अच्छे से फ्राई हो चुका है, कुछ लेयर हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। आप चाहो तो बिना फ्राई करे ही आप इसे बर्गर पर लगा सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारा पनीर था वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसी पे हम थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल ग्रीस कर लेंगे इसी पैन के अंदर, और इन बर्गर को भी अच्छे से पलटते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इन्हें सेक लेंगे, ताकि ये और भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं।
अब हम इसे पलट देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी फ्राई हो जाए, यानी कि सिक जाए। और ये देखिए अच्छे से ये सिक चुके हैं। और अब हम इसे निकाल लेते हैं अपने अलग प्लेट के अंदर। तो ये देखिए हमारे बर्गर अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसे व्हाइट मेयोनीज लगा देते हैं। मेयोनीज फ्रेंड्स आप अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स अगर आप और भी स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप टिक्की के अंदर हरी मिर्च और रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। उधर देखिए मैंने लिया है ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स लिया है। और फ्रेंड्स अगर आप चाहो तो इसे डाल भी सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। इसके बिना भी अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। तो इधर मैंने लिया है अनियन खीरे स्लाइस लिए हैं। इस तरीके से मैं इस पे सेट कर दूंगी। और अब हम रखते हैं इसके ऊपर टिक्की। अब इस पे हम एक ऊपर की साइड पे तंदूरी मेयोनीज लगा लेते हैं फ्रेंड्स। इसे भी हम अच्छे से इसकी कोटिंग कर देंगे। और अब वही प्रोसेस सेम दोबारा दोहरानी है फ्रेंड्स। अब हमें यही सारे सैलेड थे अपने वो ऊपर की साइड पे भी लगा देंगे। पनीर के लिए और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा बर्गर बनकर तैयार है। आप बच्चों को भी दे सकते हैं, ये बिल्कुल हेल्दी है और टेस्टी भी है। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से अपने घर पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स बताइए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि ऐसी आने वाली और भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा और आप भी एंजॉय कीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। भूमिका कुमारी 999। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।